जालंधर के द्वाबा चौक स्थित बनने जा रहे श्री संकट मोचन बालाजी धाम का विधिवत पूजा अर्चना कर झंडा स्थापित करते हुए भूमि पूजन किया गया। श्री संकट मोचन बालाजी सेवा संघ की तरफ से करवाए गए शिलान्यास कार्यक्रम में जहां बालाजी के भक्तों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया, वहीं श्री संकट मोचन बालाजी सेवा संघ के समस्त पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना करवाकर बालाजी के जयकारों से सारा इलाका बालाजी के रंग में रंगा। इससे पहले करवाए गए भव्य संकीर्तन की शुरुआत महंत केवल खन्ना एंड पार्टी ने हनुमान चालीसा के साथ की, जिसके बाद श्री कष्ट निवारण बालाजी मंदिर बाजार शेखा के संस्थापक एवं विधायक रमन अरोड़ा व महंत केवल खन्ना एंड पार्टी ने बालाजी के मनमोहक वचनों को गाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच विधायक रमन अरोड़ा, विधायक बाबा हेनरी, विधायक शीतल अंगुराल, सांसद सुशील रिंकू की धर्मपत्नी सुनीता रिंकू, पूर्व CPS KD भंडारी, लोकसभा प्रभारी अश्विनी अग्रवाल बिल्ला, वरिष्ठ भाजपा नेता अमित तनेजा, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व पार्षदपति रवि सैनी, पूर्व पार्षदपति माइक खोसला, श्री देवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार अजय लाली, उद्योगपति नरेंद्र सिंह सग्गू, उद्योगपति राजन गुप्ता, मोहिंदर प्रभाकर, आप नेता सुमित कालिया, प्राचीन त्रिवेणी महावीर मंदिर टांडा रोड के प्रधान राजेंद्र शर्मा, भगवान दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सभी गणमान्यों ने संघ के समस्त पदाधिकारियों को इस शुभ कार्य के लिए बधाई दी। इस दौरान मंदिर निर्माण को लेकर सभी सदस्यों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर संस्था के सदस्य प्रधान अनिरुद्ध अग्रवाल, महासचिव सुशील गुप्ता, कोषाध्यक्ष जतिन अग्रवाल, अविनाश सिंगला, सुरेंद्र गुप्ता, सुबोध गुप्ता, संजय चावला, संजीव गोयल, संजीव बजाज, तरसेम कुमार, निखिल वर्मा, रोहित बजाज, संजीव मित्तल, चंद्रमोहन, राजीव गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, अशोक अरोड़ा, संजय गुप्ता, योगेश अग्रवाल, अजय अग्रवाल, अंशुल मित्तल, अनमोल मित्तल, दिनेश गुप्ता, महेश गुप्ता उपस्थित रहे, जिसके बाद बालाजी के भक्तों के लिए प्रसाद रूपी लंगर भी लगाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। दे दो अपनी नौकरी बालाजी सरकार, 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 लाल लंगोटे वाला मेरा यार है,
मेरे मन का बाबा तू दिलदार है यार है वो मेरी जिंदगी सवारी हिंदुस्तान के जिन्होंने श्री देवी तला मंदिर को इतनी महारानी की अपार कृपा है इन पर हमारे शीतल बाऊ जी इनका विशेष हाथ मेरे पे हमेशा रहता है और रहेगा मेरे पास अल्फाज नहीं बहुत ही व्यवस्थित है। रमन अरोड़ा जी का जो श्री बालाजी महाराज के निमंत्रण पे इस भव्य निर्माण शिलान्यास पर आए कोटि कोटि धन्यवाद। और दैनिक सवेरा से शीतल विज जी इनका भी कोटि कोटि धन्यवाद, इन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया श्री बालाजी महाराज के भव्य मंदिर निर्माण के शिलान्यास में ये उपस्थित हुए हमारी शान इनके साथ। बोले बालाजी महाराज की जय। श्री संकट मोचन बालाजी सेवा संघ जो आज हमारे बालाजी महाराज जी के नए मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं इनके ऊपर बालाजी की विशेष कृपा। ये मौका बालाजी बहुत कम लोगों को देते हैं कि मेरा मंदिर मेरा स्थान वहाँ कीर्तन हो। जैसे रमन जी ने बाजार में आप सब लोगों को पता ही है कि मंदिर जी ने इन्होंने जब 5-6 साल पहले एक छोटी सी जिस स्थान से सुमंदिर का निर्माण शुरू किया था आज वो बालाजी महाराज के बहुत अच्छे मंदिरों में जहाँ बालाजी का वास है उनका नाम लिया जाता है। इसी तरह मैं इस सारी कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उसी तरह सब लोग मिलके बालाजी महाराज जी के मंदिर का निर्माण इस स्थान पे करें और उसी तरह बालाजी का यहाँ वास हो। जो मंदिर निर्माण है इसमें बालाजी महाराज तभी रहते हैं कि सबके सहयोग से ये मंदिर का निर्माण हो। किसी निजी मंदिर में ये मैं नहीं कहता ये शास्त्र कहता है क्योंकि ये सब लोग सहयोग कर रहे हैं मिलके मंदिर का निर्माण कर रहे हैं श्रद्धा से भावना से कर रहे हैं। मैं बालाजी महाराज जी का अरदास करता हूँ कि इनको भी जिस तरह रमन जी ने उस मंदिर का इतना बड़ा विशाल निर्माण करवाया संतों से मिलके और इनके ऊपर बालाजी महाराज जी की कृपा भी हुई है आज इनके ऊपर कृपा जो बालाजी महाराज जी को आज आप सब लोग देखते ही हो कि इनकी कृपा से तो मैं सारी कमेटी को बहुत बधाई देता हूँ और हमारे लायक किसी किस्म का भी कोई वो किसी लायक तो नहीं है किसी का भी किस्म किसी आपको
तो हम लोग आपके लिए तन मन धन के साथ खड़े हैं। शक्तिपीठ देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। भगवान का मंदिर असी निर्माण कराना मैं अज शुभ घड़ी साढ़े विच आ गई है। अज शिलान्यास होया वै मैं सारी कमेटी के मैंबरान नू बहुत बहुत बधाई दिंदा और बाला के दास करूँगा कि सारी टीम तंदुरुस्त रहे और इस तरीके एकजुट होके एक भव्य मंदिर निर्माण इस स्थान के उपर हो जा रहा वै ये निर्विघन संपन्न होवे और आप सारे रल के इन्हों का योगदान करिए। मैं सारे शहर निवासियों को अपील करूँगा कि ये टीम बहुत ही नेक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही धार्मिक लोगों की टीम है। मेरा इन्हों लगभग 20 साल तो संबंध है और जागरण भी कराते हैं विशाल जागरण कराते हैं जिद बहुत बड़ी गिनती लोग आके धर्म न जुड़ते हैं संस्कार जुड़ते हैं। बाला जी परिवार इस तरीके तरक्की करे इस स्थान के उपर भव्य मंदिर का निर्माण जल्दी संपन्न हो।